मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे सुबह के 11 और अभी मैं जिम में हूँ और लगभग सुबह 8 बजे मैं जिम आ गया था। तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलेंगे क्योंकि अयांश को स्कूल से लाने जाना है क्योंकि उसका छुट्टी लगभग 11:55 में हो जाता है। 11 बज चुके हैं तो थोड़ी देर में अभी यहाँ से निकलेंगे और फिर आपसे मिलते हैं अयांश के स्कूल के पास। तो अभी जस्ट मैं अयांश के स्कूल पहुँच गया हूँ और अभी मैं दिखाता हूँ अयांश का एक न्यू अवतार, वो आज क्या बन के स्कूल गया था। तो ये अभी आपको दिखाते हैं। अयांश अभी जस्ट स्कूल से निकलने वाला है तो अभी आपको दिखाते हैं अयांश क्या बना है। क्या आर्मी मैन? वाह, तो ये देखिए अयांश का गेटअप। अच्छा ठीक, ये है अयांश का गेटअप। ठीक से खड़ा रहो, सीधा खड़ा रहो बेटा। ये देखिए अयांश का गेटअप, कमेंट करके बताइए अयांश कैसा लग रहा है आर्मी के गेटअप में। तो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि दिवाली नजदीक आ गई है गाइस। तो दिवाली नजदीक आ गई है तो दिवाली की तैयारियां भी करनी है, शॉपिंग भी करनी है। तो आज हम लोग जा रहे हैं, इस बार हमारे घर में कौन सा लग रहा है कि एक परी है, तो परी के लिए हम लोग एक हाउस बनाएंगे क्योंकि जिसके घर में परी होती है तो हर घर में एक हाउस बनना चाहिए। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग भी बनाते थे, हम लोग तीन बनते थे, तीन हाउस बनता था, थ्री बिल्डिंग जिसको हम लोग घर कुंडा भी कहते हैं, आप लोग तो जानते ही हैं। तो इस बार पहली बार हम लोग के घर में बनने वाला है घर कुंडा। बहुत दिन से एक्साइटेड थी, मैं खुद घर में एक बेटी हूँ। तो चलो एक आगे में अब हम लोग उसके जरिए हम लोग अपना बचपन भी जिएंगे। अभी भाभी तो पता है सुस्त पड़ी हुई थी, इनको उठाया है जबरदस्ती धकेल के। आइए इसको जबरदस्ती धकेल के भाभी को उठाएं कि चलिए 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 मार्केट जाना है, सामान लाना है, बहुत सारे काम करने हैं। एक्साइटमेंट का लेवल हम लोग का बहुत हाई है और अभी देखिए भाभी अयांश को रेडी कर रही है। एक्चुअली ममता ही उस दिन का नजारा बनाई थी, हम लोग ममता के साथ जानबूझ के बदमाशी किए थे ताकि देखिए हमारा ब्लॉग वो देखती है या नहीं देखती है। तो गाइस हम ये चीज बोले थे भाभी को कि ममता देख रही है आपको, कूटेगी आके। अरे वो देखेगी तब तो ये हम चेक करेंगे कि वो हमको देखती है कि नहीं देखती। नहीं, रियली वो हमको देख रही थी और आके हमको कूटी भी फोन पे पूरा। भाभी खाना हम बना रहा बोलते हैं, हम ले तुम चेक कर रहे थे कि तुम हमको देख रही हो कि नहीं। अभी ममता बोलने लायक छोड़ी नहीं है, पता नहीं कुछ जला दी है। तो गाइस चलते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो गाइस हम लोग आए हैं भारती जो दुकान है, बुक स्टॉल है, उसके अंदर में ये एक दुकान है भारती का ही है। तो अभी यहाँ पे लगभग सारी चीजें मिल जाती है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमारे काम का सामान मिलता है कि नहीं। क्या मिला? थर्माकोल है? यहाँ थर्माकोल यहाँ पर भी नहीं है। क्या कहीं नहीं मिल रहा थर्माकोल? दो तीन जगह दुकान में देख चुके हैं पर अभी तक थर्माकोल नहीं मिला। अब बिना उनके तो वो तो बेस है, वो तो उसके बिना तो बनेगा ही नहीं, बनेगा वो तो बनेगा ही नहीं। कहाँ से लीजिएगा फिर थर्माकोल? तो गाइस देखिए हमें जो भी सामान चाहिए था वो हम लोग को यहाँ पे नहीं मिला है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे वाले शॉप में और देखते हैं वहाँ हम लोग को मिलता है कि नहीं। जगह पे इस दुकान पर हम लोगों को सारा चीज मिलता है या नहीं मिलता है। और सूती जो है बनाने के लिए रेडी है और जो सूती हम लोगों ने ऑनलाइन जो मंगवाया था ये वाला, तो हम लोगों को लगा कि नहीं मिलेगा बट सूती देख के गार्डन गार्डन हो गया। कलर भी बहुत अच्छे हैं इसके, देखो उसको रिटर्न भी मार सकते हैं, देखेंगे अगर इसके दाम कम होंगे तो रिटर्न मार देंगे। फिलहाल यार हम लोग तो उसको रिटर्न मारेंगे तुरंत रिटर्न मारेंगे, जैसे कल हम लोगों ने मंगवाया था रिटर्न मारेंगे। चलिए गाइस हम लोगों को मिल गया है थर्माकोल और ढूंढते ढूंढते आई थिंक पतला वाला लो, एक मोटा लो, बाकी सब पतला। हाँ ये वाला देखिए, यही थर्माकोल मिल चुका है। एक ये ले लेते हैं बेस के लिए। हाँ बेस के लिए वो ले लो और दो पतला ले लो। तो गाइस हम लोगों को जो जो सामान चाहिए था वो तो हम लोगों ने ले लिया है।
अब प्रॉब्लम ये है कि इसको लेके कैसे जाएंगे, दौड़ा कर रहे हैं हमको। तो फिर इसको लेके जाने में बहुत टेंशन है, क्योंकि ये देखिए इतना बड़ा इसका साइज है, और इसको लेके हमको पीछे बैठना होगा, और कुछ सामान यहाँ आगे हम लोग लटका दिए हैं। तो अभी फिलहाल चलते हैं, मैनेज करके जैसे भी हो पाता है। तो गाइस हम लोग सामान लेके आ गए हैं घर, और बहुत धूल भी उड़ रहा है, घर में काम चल रहा है ना। तो अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ नीचे इनके लिए खाना लाने के लिए, इनको फिर देखिए शायद कल से हम लोग अपना घर कुंडा बनाना स्टार्ट भी करते हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं गाइस। तो गाइस ये बजे रात के 8:30, और अभी मैं लेके आया हूँ चिकन। आज हम लोग के घर में बनेगा चिकन करी, तो अभी बनना स्टार्ट हो गया है। तो अभी आपको दिखाते हैं कि आज का जो चिकन करी है वो कौन बना रहा है। तो गाइस अभी चढ़ चुका है चिकन, तो अभी फ्राई हो रहा है, फ्राई होने में थोड़ा समय लगेगा। और आज का चिकन जो है वो भैया बना रहा है। कितना समय लगेगा ये घड़ी देख के? 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में बन जाएगा? यस। तो ठीक है गाइस, इसको बनने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, और इस बार हम लोग को भैया भेज रहे हैं मीट मसाला लाने के लिए। बताइए अभी 10:30 बजे हम लोग जा रहे हैं मीट मसाला लाने के लिए, क्योंकि चिकन के लिए कोई सामान नहीं था, और एक तो वो बना दे रहे हैं तो बोले मीट मसाला तो चाहिए होगा, तो इसीलिए अभी हम लोग जा रहे हैं मीट मसाला लाने के लिए। तो गाइज हम लोग को ये एक दुकान खुला हुआ मिला है राशन का, और यहाँ पे हम लोग सामान ले रहे हैं। बोल दिए क्या क्या चीज चाहिए? मीट मसाला, हींग, क्या है टूटू? ये देखिए रोड का नजारा, सब खाली हो गया है। तुम इतना खुश क्यों हो भाई? भाई तुम क्यों खुश हो इतना? पहली बार बाहर निकले। पहली बार बाहर निकले? अभी थोड़ा देर पहले भी तुम निकला था चिकन लाने के लिए। हैं? ये क्या हो गया इसे भाई, क्या हो गया तुम्हें? आलू के सारे। भाई कहिए डब्बा के साथ, ये पानी वाला जार के साथ, क्रांति मिक्सचर के साथ। तो सबके साथ सेल्फी खिंचा लिया है। तो गाइस सामान ले लिए हैं, और अब आगे वाली शॉप से हम लोग पानी लेंगे, और फिर चलते हैं घर। मुझे टूटू फास्ट। ठीक है, ठीक तो था। तो क्या अभी गुस्सा करने लगेंगे पापा, जल्दी घर जाना है भाई। वो लेना है, चलो मटो दे देते हैं। तो गाइज हम लोग आ गए, और चिकन भी बन के तैयार हो गया है। हम लोग का वहाँ किचन में निकल रहा है। क्या हुआ, तुम क्यों नहीं खा रहा है? चलो हट जाओ, है ना, हट जाओ। तो गाइस अब इसको खाने देते हैं, ये कुछ भी बोलने के मूड में नहीं है। हम लोग अभी खाना निकल रहा है, खाना लेके आते हैं, फिर हम लोग भी खाएंगे। तो गाइस ये हमारा भी खाना आ गया है, और मेरा है क्या? चलिए हम दोनों का खाना आ गया। हमको बहुत जोर से भूख भी लग गई है, तो हम तो खा लेंगे भाई, हम नहीं रुक सकते हैं। रखिए कैमरा भी रख दो भाई। तो गाइस विक्की का खाना रेडी है, अब विक्की खाएंगे और बताएंगे कि कैसा बना है, क्योंकि आज झटपट में बना है, आज कुछ मतलब था नहीं, और इन्होंने सब चीज यूं ही बना डाला है। तो देखते हैं गाइस, अभी खा के बताते हैं आपको कैसा बना है। और इसमें सारा मटेरियल तो लगभग जो मटेरियल हम लोग डालते हैं पूरा मटेरियल तो था ही नहीं, तो फिर भी देखते हैं कैसा बना है, खा के आपको बताते हैं। बताइए बताइए, देखिए हाँ ना, यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। हाँ ना, झूठा नहीं चुना, न न देखो आना डांस कर रही है। तो कैसा लगा? बहुत जबरदस्त बना बना है ना। अरे उनके हाथ में जादू है। आपको अच्छा लगा? इसीलिए उनको बोले बनाने के लिए। श्रुति बहुत अच्छा लगा। टूटू खा ही रहा है, तो आहाना को भी देखो मस्ती चढ़ी है। आहाना को कुछ नहीं देना है, ठीक है? तो सबको खाने देते हैं, सबको परेशान नहीं करते हैं। तो हे गाइस अभी बज रहे रात के 11:30, अभी हम लोग अपने रूम में आ गए हैं, और सबका खाना पीना हो गया, अभी सब सोने आ गए हैं। अभी मैं जा रहा हूँ एडिटिंग करने के लिए। आज हम लोग अपने ब्लॉग को कर रहे हैं यहीं पे एंड। अगर हम लोग का ब्लॉग अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, एंड
सब्सक्राइब करें। तो कल मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।